Hi guys, welcome back to my channel and I am Suman. And आज का video है कुछ एक motivation kind of a video because बहुत time हो गया मैंने कोई भी एक motivation kind of a video upload नहीं किया and मुझे लगा कि नहीं आज एक topic भी है मेरे पास, कुछ चीज़ें भी है मेरे पास, मैं बहुत खुश हूँ. So I think कि why not कोई एक अच्छा सा motivation kind of a video डालते हैं. सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि दिस वीडियो इज़ नॉट एट ऑल अ शोइंग ऑफ वीडियो, बिकॉज मुझे नीचे कुछ कुछ कमेंट्स आ जाते हैं, आप शो ऑफ कर रहे हो या फिर कुछ नेगेटिव कमेंट्स. ऑल दो मैं नेगेटिव कमेंट्स पूरा पढ़ती भी नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने एक दो जो रीड किए थे उनके हिसाब से. सेकेंड इज़, दो साल पहले, बिकॉज आप लोग जानते हो मैं जब से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की ऑन माई यूट्यूब एंड जब से मैंने चीज़ें स्टार्ट करी हैं एंड आप लोगों ने देखा हुआ है मुझे, जो मेरे बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हैं, दो साल पहले मेरे पास नाइकी का ट्रैक पैंट लेने का भी पैसे नहीं होते थे. सो इट्स लाइक कि मैं फुल ऑन डम एंड बेचारी काइंड ऑफ अ पर्सन. सो दो साल के करियर में मैंने बहुत ही अपनी जान लगा के काम किया है. मैंने अपनी हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं होने दिया काम के साथ साथ, बिकॉज आई एम इनटू द फिटनेस ऑल्सो. नेक्स्ट इज, दिन रात सब कुछ एक करके मैंने मेहनत करा है एंड उसके बाद मैंने, घर है मेरा या फिर जो भी चीज़ें मैंने बनाई है वो सब मेरे खुद के पैसों से है, मैंने खुद अचीव करा है. मतलब मेरा सिंपल फंडा है लाइफ को लेके, जो कि मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग कोई भी शौक रखते हो अपनी लाइफ में, सो सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी है वो आप ही पूरा करो, कोई और आपको लाके नहीं देगा. अगर आप मतलब कि कोई भी शौक रखते हो या फिर कोई भी डिमांड करते हो अपने आप से, सो नथिंग रॉन्ग इन दिस. अगर आप कुछ सोच रहे हो, कुछ चाहिए आपको, तो उसको लेने की जिम्मेदारी आपकी है, आपके पेरेंट्स की नहीं है, आपके हस्बैंड या किसी और की नहीं है. सो यू नो, चाहते बहुत होती है लाइफ में, मेरी चाहते भी बहुत ज़्यादा है लाइफ में. अभी कुछ भी मैंने अचीव नहीं करा, मुझे बहुत कुछ चाहिए अपनी लाइफ से, बट जो चाहिए वो मुझे मेरे खुद के पैसों से. यू नो, दो साल पहले या फिर जब मैंने अपना करियर सब कुछ स्टार्ट किया था, बिकॉज आई एम रनिंग टू बिजनेसेस एंड तीन करती थी मैं, एक बिजनेस मेरा बिल्कुल लॉस में चला गया था तो मैंने उसको शट डाउन कर दिया है एंड आई एम रनिंग टू बिजनेसेस राइट नाउ. एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा भागना दौड़ना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को हर जगह से सोशली कट करना पड़ता है. बट मेन चीज़ आती है नेगेटिविटी से कट होना एंड नेगेटिव लोगों से कट होना या फिर कोई भी यू नो स्ट्रेस आए आपकी लाइफ में उस चीज़ों से कटना एंड उसके बाद मूव ऑन करना, वो सबसे बड़ी एक यू नो सक्सेस मैं मानती हूँ. अभी मैं जो वीडियो आज शो कर रही हूँ, इट्स लाइक US शॉपिंग हॉल वीडियो. मैं USA नहीं गई थी एंड मेरे बहुत ही क्लोज वन है वो USA गए हुए थे. सो वहाँ से मैंने उनसे कुछ अपने लिए बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी ऑर्डर करी जो कि कभी मेरा कोई ड्रीम था कि मैं वो चीज़ कभी लूँगी या ले पाऊँगी अपनी लाइफ में, बट वो लाइक ऐसा क्विक होता है कि रैंडमली उन्होंने मुझे वहाँ पे जाके वीडियो कॉल करा एंड मैंने कहा ओके पिक कर लो, वो सामान पिक कर लो या वो भी पिक कर लो. सो आई फील वेरी हैप्पी कि जो मेरा एक सामान लेने का एक ड्रीम था, कुछ बैग्स, वो मैंने लिए हैं एंड आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी एंड रियली वॉन्ट टू शेयर इट विद यू गाइज, बिकॉज आप लोगों ने मेरा जर्नी स्टार्टिंग से देखा है, फ्रॉम दी ज़ीरो टिल नाउ, जहाँ से मैंने बिगिन किया था टिल नाउ, मतलब विदाउट एनी पर्सन हेल्प, मेरे पास जो भी था मैंने जिस तरीके से भी मैनेज करा या फिर जो भी चीज़ें मैंने अपने आप को स्टैंड अप करा या जिस तरीके से भी मैं आगे आई. सो यू नो एवरी, जो पूरा जर्नी है वो बहुत ही फॉल डाउन भी है, अप भी है, बट हाँ अच्छी चीज़ें हुई हैं. लेकिन बेस्ट पार्ट ये होता है कि मेरे को अपने पे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है कि मैं रुकी नहीं एंड कितने नेगेटिविटी मैंने देखी या कितने नेगेटिव लोगों से मैं मिली या कोई भी चीज़ें आगे से आई या जो भी चीज़ें आई, मैंने हार नहीं मानी. सो मूव ऑन एक चीज़ होती है कि उसने मुझे कुछ, किसी ने मुझे कुछ कहा, मूव ऑन, कोई दिक्कत आई तो मैनेज, अपने आप को मैनेज करना, अपने माइंड को मैनेज करना. सो या दैट्स द ऑल थिंग जो मैं शेयर करना चाहती थी विद यू गाइज. एंड मैंने अपना फर्स्ट गुच्ची बाय करा है, गुच्ची का बैग, गुच्ची की बेल्ट, सम कोच बैग्स एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स. सो या लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो सबसे पहले मैं शेयर करना चाहती हूँ मेरा फर्स्ट बाय, जो कि बहुत ही एक्साइटिंग है, एक मेरा ड्रीम कम ट्रू है, विच इज़ माई गुच्ची का बैग. सो आई गेस यस, ये रहा एंड इसको मैंने प्रॉपर ओपन भी नहीं करा अभी. सो मेरे को था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. तो ये बैग जो है मैंने ऑनलाइन देखा था, दिस बैग इज़ रियली कूल एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था एंड कलर जो है वो मैंने बहुत ही प्यारा कलर ऑर्डर करा था, मतलब मंगवाया है एंड दिस, ये ऐसे दिख रहा है एंड दिस इज़ रियली 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 स्मार्ट पीस, जो कि हम बोल सकते हैं. इंडिया में इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मुझे US से बहुत ही अच्छा प्राइसिंग पे मिला है. सो या
This is my first Gucci purchase, and this, like this, and this color, and ये एक sling bag है, but sling bag होके भी मुझे बहुत ज़्यादा costly पड़ा है, and ये चीज़ मैंने अभी हटाया नहीं है, this G sign, and it's like open like that, and inside में भी we have two pockets, जो कि मैं अभी बिल्कुल इसको use करने के मन में नहीं हूँ. So कुछ time बाद या कोई अच्छा occasion आएगा तब हम इसको carry करेंगे. And this is my first buy of Gucci, and I'm really happy. And yeah, so this is like बहुत ही प्यारी चीज़ है जो मैंने buy करा है अभी तक अपनी life का. So yeah. इंडिया में इसका कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा है, बट वहाँ पे भी जो कॉस्ट मेरे को पड़ा है वो भी बहुत ही ज़्यादा था. एग्जैक्टली मैं यहाँ पे अमाउंट नहीं मेंशन करना चाहूँगी. एंड या सो ये था मेरा फर्स्ट गुच्ची का बाय. एंड मेरा वार्डरोब जो है वो बिल्कुल तैयार हो रहा है. मेरा क्लोजेट रूम ऑलमोस्ट वो रेडी हो चुका है. मैं भी इस वीडियो के बाद आपको उसका अपडेट दूंगी माई क्लोजेट रूम का. देन हम करेंगे फुल ऑन क्लोजेट टूर. ओके, सो फर्स्ट माई गुच्ची बाय इज दिस. सेकेंड मैंने जो गुच्ची का बाय करा था वो है अ बेल्ट. मुझे सीरियसली मैं गुच्ची का बेल्ट बहुत अच्छा लगता था. लुक ये पैकेजिंग देखो कितना स्मार्ट पैकेजिंग है. एंड इसको ओपन करते हैं अब हम. ओके जी, सो ये ऐसे है. एंड अगेन अ गुच्ची साइन. एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल बेल्ट बिकॉज मुझे ग्लिटर वाला एक बेल्ट पसंद आया था, बट वीडियो कॉल पे मैंने देखा था, बट उसका कॉस्ट जो था वो बहुत ही ज़्यादा था, मेरे बजट के बाहर था. सो दिस लाइक प्लेन गुच्ची का बेल्ट. एंड सबसे स्मॉलेस्ट साइज मैंने ऑर्डर करा है, बट स्टिल मुझे इसका जो यहाँ पे डॉट्स होते हैं वो मुझे यहाँ तक चाहिए. मतलब यहाँ तक चाहिए, मतलब मुझे अभी लूज है. सो मैं इसको ठीक कराऊंगी, एंड बहुत जल्दी आप इसके शूट्स देखोगे ऑन माई इंस्टाग्राम. थर्ड इज माई माइकल कॉर का बैग. एंड इसका भी मैंने बहुत ही क्लासी कलर पिक करा है. दिस बैग इज़ लाइक अ रॉयल ब्लू काइंड ऑफ अ कलर, एंड इट्स लुक लाइक दिस. इसका जो स्लिंग है वो सिल्वर में है, एंड दिस बैग इट्स रियली वेरी क्लासी. मुझे अच्छा लगा, मुझे मेरे पास ये कलर था भी नहीं. ब्लैक मेरे पास बहुत सारे कलर्स में है, बट दिस कलर इज़ लाइक यूनिक फॉर मी. सो ये वाला कलर मैंने चूज करा है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट बैग. ओके, सो नेक्स्ट इज़ वेरी छोटू सा बैग, अगेन फ्रॉम कोच. वॉलेट है ये, और ये भी मुझे यूएस से बहुत अच्छी डील में मिला है. एंड या ओके, सो नेक्स्ट अगेन वन मोर बाय फ्रॉम कोच. सो ये रहा बैग, इसको भी हम ओपन करते हैं. अब तक मैंने एक भी बैग कैरी नहीं करा ना यूज़ करा. दिस इज़ वेरी प्रिटी कलर, डिसेंट कलर. आजकल मुझे न्यूड शेड से बड़ा प्यार हो गया है. सो दिस बैग एंड इसका जो हैंगिंग है वो बहुत क्लासी है. आप बहुत जल्दी इनके शूट्स देखोगे ऑन माई इंस्टाग्राम. एंड या दिस बैग, एंड ये इसके साथ हमको स्लिंग भी मिला है जो कि हम कैरी कर सकते हैं. सी दिस स्लिंग, यहाँ से रिमूव करके वी कैन रिमूव दिस, एंड वी कैन समझ जाओ अगर इतनी इंग्लिश मुझे आती नहीं है. नेक्स्ट बाय जो है मेरा वो है वॉच. आई एम अ बिग लवर ऑफ माइकल कॉर की वॉचेस का. मेरे को बहुत अच्छी लगती है माइकल कॉर की वॉचेस. दिस वॉच जो भी है ये गिफ्टेड वॉच है. मेरी क्लाइंट ने मुझे गिफ्ट किया था फ्रॉम कैनेडा, उन्होंने वहाँ से भेजा था मेरे लास्ट टू लास्ट ईयर के बर्थडे पे. एंड ये वॉच जो है ये मैंने खुद से बाय करी है. दिस इज़ वेरी क्लासी वॉच, बहुत ही क्लासी है. कल ही मैं इसको अपने साइज़ की करा के आई हूँ बिकॉज ये बहुत लूज थी मेरे लिए. लुक एट दिस, प्लेन गोल्डन वॉच है ये, नो ग्लिटर नथिंग, जबकि इधर बहुत सारे ग्लिटर है, बट दिस इज लाइक अ प्लेन गोल्डन वॉच. लव इट, बहुत अच्छे डील मिले हैं, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि महंगे हैं, बट अच्छी डील थी, मतलब अच्छी प्राइसिंग भी मिल गया. नेक्स्ट मेरे पास है विक्टोरिया सीक्रेट का बिग बैग. इसको मैंने अपना जिम का बैग बना लिया है. बहुत सारा इसमें सामान आ जाता है. जब भी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ अपनी मम्मा का चेकअप कराने, सो इसके अंदर मैं उनका खाना, बीपी की मशीन, शुगर की मशीन और शुगर टेस्ट करने वाली मशीन, उनकी मेडिसिन, उनका इंसुलिन, सब कुछ मैं इसमें कैरी करके लेके जाती हूँ. सो अदरवाइज़ ये जिम के चीज़ों के लिए यूज़ होता है. इसके अंदर अभी भी जिम का सामान पड़ा हुआ है. सो या दैट्स इट. और कुछ मंगाया था? नहीं जी, और कुछ नहीं मंगाया. कुछ कपड़े थे एंड उनका शूट मैं ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे डाल चुकी हूँ. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई फील वेरी गुड. आई फील वेरी अच्छी 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 वाली फीलिंग. सो या
एंड आई रियली वॉन्ट टू शेयर इट विद यू गाइज, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बिल्कुल ज़ीरो से, ज़मीन से यहाँ तक आते हुए देखा है. एंड मतलब जो भी किया है खुद से किया है, घर बनाया है या जो भी है वो खुद से करा है एंड काम करा है, बहुत मेहनत करी है. मेहनत हम आगे भी करेंगे क्योंकि शौक़ जो है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होते ना, शौक़ तो अभी स्टार्ट हुए हैं. सो आ मैसेज फॉर कुछ उन लेडीज़ के लिए जो बहुत ही स्ट्रेस में रहती हैं या फिर जिनका डिवोर्स हुआ है, बिकॉज आज के टाइम में डिवोर्स इज़ लाइक वेरी कॉमन एंड नॉर्मल चीज़ें, जो कि मेरे पास डेली बेसिस पे 2-3 डिवोर्सी क्लाइंट्स आ जाती हैं एंड मैं उनको भी यही चीज़ समझाती हूँ. इंडिपेंडेंट रहो, अच्छा कमाओ, अच्छा दिखो. एंड जितनी भी होती है ना ये इमोशनल बातें कि नहीं, जो भी पेरेंट्स समझाते हैं वो सारी चीज़ें अपनी जगह सही हैं, बट एक प्रैक्टिकल अगर बात देखी जाए तो अगर आप सिंगल हो या फिर आप डिवोर्सी हो, रो मत बैठ के. मतलब बैठ के रोना नहीं है कि हमारे साथ ये हो गया है, सोसाइटी को टैकल करना है, किसी को टैकल करना है, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं. अगर आपके साथ ऐसा कोई भी मिसहैपनिंग हो चुकी है उस चीज़ से फाइट करो, आगे निकलो. जब मेरा डिवोर्स पे बात आई थी या जब मेरे पास डिवोर्स का यू नो प्रोसेस मेरा स्टार्ट हुआ था, मेरे ऊपर ऑलमोस्ट 7-8 lakhs का लोन था, क्योंकि मैंने जो बिज़नेस अपना स्टार्ट किया था, मेरा जितना भी गोल्ड था मेरे पास वो सब मैंने मोटर फाइनेंस पे लोन पे रखा था एंड वहाँ से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था. बिकॉज समटाइम्स आपका क्या होता है, आपकी ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है एंड वहाँ से आपने अपनी मैंने जो है अपनी जर्नी बिगिन करी थी. एंड राइट नाउ आई एम लाइक टच वुड बाय द गॉड ग्रेस आई एम ओके. लोग बोलते हैं अरे वो डिवोर्सी है, मैं उसको सामने वाले को आंसर देती इफ़ आई एम अ डिवोर्सी आई एम इंडिपेंडेंट. सामने वाले को जवाब दो आप, अगर आपकी इनकम अच्छी है यू कैन आंसर, अगर आप खुद स्टैंड लेके खड़े हो यू कैन आंसर. मेरा डिवोर्स डला था तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये हुई थी कि मेरे पेरेंट्स को सोसाइटी को टैकल करना पड़ेगा, बट आज के टाइम पे माय पेरेंट्स फील्स लाइक सो प्राउड वाली चीज़, माय फैमिली फील्स लाइक कि सो गुड अबाउट मी, आई फील सो गुड अबाउट मी एंड डिवोर्स इज़ द वन थिंग जो मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट चीज़ है जो अभी तक हुई है. मतलब आई फील सो गुड एंड थैंक यू टू गॉड कि मतलब मेरा डिवोर्स हुआ है. डिवोर्स से डरो मत, अगर कुछ आपके साथ मिस हैपन हो रहा है, कोई बुरी चीज़ हो रही है उससे डरो मत, जस्ट फाइट विद दिस. फॉर एग्जांपल लास्ट का 2019 जो गया है मेरी लाइफ का सबसे क्रिटिकल एंड टफेस्ट ईयर गया है. रीज़न इज़ मैंने 2019 में अपना डिवोर्स फाइनल करा, विच इज़ लाइक गुड, सिर से स्यापा हटाया. दूसरी चीज़ जो मेरे साथ हुई, मैंने अपना खुद का घर बिल्ड करा, सबसे टफेस्ट पार्ट बट सबसे प्यारी चीज़ मेरी लाइफ की. थर्ड मेरी मदर का किडनी फेलियर हुआ, बट बाय गॉड ग्रेस हमने वो किडनी ट्रांसप्लांट कराया. आप बट ना मेरे चैनल पे वीडियो आनी रुकी, ना मेरा दूसरा बिजनेस हैम्पर हुआ, ना ही ये लगा लो मेरी फिटनेस हैम्पर हुई. हाँ ये ज़रूर हो गया कि मैं जिम नहीं जा पाई तो मेरे इंचेस बढ़ गए, स्पेशली मेरे इंचेस जो बढ़ते हैं वो लेग्स के बढ़ते हैं, 3-4 inches बढ़ गए, बट नंबर जो था विंग स्केल पे वो उतना ही रहा. मतलब फाइट करो, अपने आप को अपना माइंडसेट इतना स्ट्रांग रखो कि यू कैन बैलेंस एंड मैनेज एवरीथिंग बाय योर ओन. ऐसा नहीं है कि यू नो चीज़ें आई तो डर गए, ओहो वो हो गया, हमारा वेट कम नहीं होगा या जो भी एक्स वाई जी जेड, बट गाइस मेक श्योर चीज़ों से लड़ के आगे निकलोगे तभी जाके आपकी एक रिस्पेक्ट बनेगी. आप किसी के भी सामने बैठ के अगर रोओगे ना, हमारे साथ ये दिक्कत आई, सामने वाला सिर्फ मजाक बनाएगा या आपकी बात को इधर से उधर करके आगे लेके जाएगा ताकि उससे आपको नुकसान पहुंचे. गाइस किसी के आगे रो मत, ये दुनिया और ये सोसाइटी ऐसी है, स्माइलिंग फेस एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन्स को ही ये सोसाइटी एक्सेप्ट करती है. अगर आप सामने किसी के सामने आप बैठ के रोओगे, अपनी दिक्कतें निकालोगे, वो लोग क्या कहेंगे, ओ बेचारी, बेचारी के साथ ऐसा हो गया, ओहो आहा, वो कह के बाहर जाके 4 लोगों के बीच में गॉसिपिंग क्रिएट करेगा. सो डोंट डू दैट. आप अपने आप को इतना स्ट्रांग दिखाओ कि नोबडी कैन से यू आर बेचारी, स्पेशली वो लड़कियाँ जिनके साथ डिवोर्स केसेस से जो गुजरी हैं या जिनका डिवोर्स अभी चल रहा है. तो बी स्ट्रांग, बी इंडिपेंडेंट एंड लुक गुड, ये एक सोसाइटी का थीम है. मतलब आपको अगर सोसाइटी से फाइट करना है, अपने आप को स्ट्रांग बना के निकलना है, एक तो रोना बंद कर दो. मुझे ध्यान भी नहीं है मैं लास्ट टाइम कब रोई थी. हाँ मेरी मदर का जब किडनी फेलियर हुआ था उस दिन, बट वो एक जेन्युइन चीज़ है, बट उसके अलावा मुझे ध्यान भी नहीं है मैं लास्ट टाइम कब रोई. सो बी वेरी स्ट्रांग गाइज, इसको स्ट्रांग करो, दिस इज़ रियली अ इम्पॉर्टेंट पार्ट. अपना मेंटल को माइंड सेट बिल्कुल एक ट्रैक पे रखो कि वट यू एग्जैक्टली वॉन्ट, वट इज़ योर फोकस एंड आपको कहाँ सीधा ट्रैक पे जाना है. एंड जो नेगेटिव बोलता है, जो बोलता है उसके बाद क्या आप मुझको आए यार, आपको कोई उससे मतलब नहीं है. सो आई होप दिस वीडियो इज़ लाइक यूजफुल फॉर यू. डोंट फील अलोन, डोंट फील बैड, इस धरती पर हम सारी अकेले हैं, अकेले आए हैं, अकेले ही मरेंगे.
So don't feel alone, don't feel bad, and do good in your life. So yeah, that's it. So I'll see you soon in my next upcoming video, which is going to be maybe my wardrobe या फिर मेरे closet tour. वो बन चुका है, अभी भी काट मिनट लगे हुए हैं वहाँ पे. मैं सोच रही थी मैं दिखाऊँ, मैं दिखा नहीं पा रही, बट अभी वहाँ पे काम चल रहा है. या फिर व्लॉग ही बना देंगे, व्हाट आई ईट इन अ डे यार. सो टिल द टाइम टेक केयर जी, बाय.